ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਪਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ विनोद जी के अंतिम क्षणों में उनको गुरदासपुर की चिंता थी और निरंतर चिंता रही लेकिन अंतिम क्षणों तक वो गुरदासपुर के बारे में सोच रहे थे और भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे पास नहीं है और इसलिए विनोद जी ने तय किया कि वो सेवा करना चाहते हैं जब हम यहाँ आए गुरदासपुर में लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है विनोद जी को 17 साल और मुझे अब 26 साल हुए यहाँ गुरदासपुर में लोगों ने प्यार ही प्यार दिया है विनोद जी के जाने के बाद यहाँ के लोग मेरा परिवार बन चुके हैं मैंने यहाँ कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया और गांव-गांव में जाकर हम काम कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए और हमारा धर्म भी कहता है कि हमें सेवा करनी चाहिए और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स से जो प्लेटफॉर्म आपको पॉलिटिक्स में मिलता है सेवा करने के लिए वो कहीं और नहीं मिलता है और मैंने निश्चय किया है कि मैं जिस तरह से विनोद जी ने लोगों की सेवा की उसी तरह मैं करती रहूंगी और करने वाली हूँ अभी मैंने ये कोई निर्णय लिया नहीं है लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पार्टियाँ सब समझदार हैं वो उनको पता है कि सर्वेज में लगभग 70 ऐसे 80% लोगों ने चाहा कि मैं उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं तो ये सभी जानते हैं और अभी मैं कहाँ जाऊंगी इंडिपेंडेंट लड़ूंगी या कैसे करूंगी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है ये मान के चलो कि मुझे सेवा करनी है गुरदासपुर की और मैं सेवा करूंगी किसी भी हाल में